आज है वाटर कलर ड्राइंग का तीसरा एपिसोड। क्या आप ये सोच सकते हो कि एक ही ब्रश वाटर कलर पेंटिंग के लिए काफ़ी होता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपका ब्रश के ऊपर कंट्रोल, जैसे कि पेंसिल के ऊपर कंट्रोल होता है, वैसे ही ब्रश पे भी कितना कंट्रोल है और पानी पे कितना कंट्रोल है। वाटर कलर्स में इट्स ऑल अबाउट वाटर, तो आप पानी के साथ कैसे खेल सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो लोग वाटर कलर में सीरियस हैं और उसको सीरियस तरीके से सीखना चाहते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने हाल ही में एक आर्ट वाटर कलर पेंटिंग किया था, जिसमें मैंने टाइम लैप्स वीडियो डाला था ये वाला, और ये मुझे काफ़ी हद तक वो सेटिस्फैक्शन दे पाया जो अभी तक के बनाए हुए दोनों आर्ट वर्क नहीं दे पाए। लेकिन इसमें मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिला और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिला और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट से मिला। तो मुझे लगा कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, और आप लोगों ने भी इसको सराहा है, तो मैं अपने थोड़े एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वाटर कलर के, और इसमें क्या खूबी थी, क्या खासियत थी। जो एक पर्टिकुलर थिंग होता है ना वाटर कलर में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा है वो ब्रश जो कि मोर देन इनफ होता है एक वाटर कलर पेंटिंग के लिए, और कैसे वो होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। तो ये रहा वो ब्रश जो कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट इनफ है एक वाटर कलर ड्राइंग करने के लिए, या फिर ऐसा ही एक ब्रश ये भी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, इवन लोकल मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल होता है। लेकिन ये जो ब्रश है ये आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से आप इसको समझ पाओ, फिर इसकी खासियत के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो ब्रश हैं दोनों के दोनों, वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और दोनों में ही एक चीज़ बहुत ज़्यादा खास है। क्या खास है कि इनका जो टिप है वो देख रहे हो बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड है। तो ये वाला जो ब्रश है इसको तो मॉब ब्रश बोलते हैं, ठीक है, और ये जो ब्रश है इसको बोलते हैं कैलीग्राफिक ब्रश, मतलब ये कैलीग्राफी में यूज़ होता है। टिप है इसका बहुत ज़्यादा रिफाइंड है और ये हमेशा मेंटेन रहता है, यही इसकी खासियत है। वो सेम इसके साथ भी जाता है जो कि यहाँ पे देखो बिल्कुल इसका मेंटेन्ड है टिप, क्योंकि ये कैलीग्राफी में यूज़ होता है। अब इसके कुछ और ख़ासियत के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये दो ब्रश क्यों इतने ख़ास हैं, क्योंकि ये जो टिप है ना, इसकी जो मेंटेन टिप है, ये हमें और कोई ब्रश छूने नहीं देती है। इसका ये मतलब है कहने का कि आप इस ब्रश से जब काम करना शुरू करते हो तो यही ब्रश आप यूज़ करते जाते हो, और जो माइन्यूट एरियाज़ हैं, जैसे कि आइज़ के अंदर का एरिया हो गया या फिर और कुछ जो डिटेल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी आप ये ब्रश यूज़ कर लेते हो। दूसरी इसकी खासियत क्या है, ये पानी को बहुत ज़्यादा, मतलब कलर को पानी के साथ बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखता है अपने साथ में, जो मुझे लगता है और लोगों ने भी आपको बताया होगा, बहुत सारे वीडियोज़ पढ़े हैं इस पर। और जब आप इसको यूज़ करते हो तो ये अपने साथ होल्ड रखता है पानी को अपने अंदर, जो बना हुआ ये जो कंटेनर है वो आप देख रहे हो यहाँ पे, वो उसमें अपने आप पानी को अंदर रखता है। सिमिलरली यहाँ भी वही हाल है, पीछे जो इसमें स्पेस है वहाँ पे बहुत सारा पानी अंदर चला जाता है इसके थ्रू, और ये पानी लगातार इसमें बना रहता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत अच्छे से पानी और वाटर कलर्स दोनों रिटेन रहते हैं, और आपको बार बार यूज़ नहीं करना पड़ता कलर को पानी के साथ मिला करके। दूसरा, जब ये जो है ये ऐसा है कि इसकी शेप जो है वो बदलती रहती है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसकी जो शेप है, जब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाता हूँ तो इसकी शेप वैसी हो जाती है, और सिमिलरली जब मैं इसको नीचे के डायरेक्शन में करता हूँ तो इसकी शेप नीचे के डायरेक्शन में चली जाती है, और ये एक खासियत भी है इसकी, और यही मदद करती है हमें। अब ये दो ब्रशेस जो हैं वो बाकी ब्रश से कैसे डिफरेंट है, और ये जो ब्रश होता है ना, जो नॉर्मल वाला ब्रश होता है, इसमें ख़ास चीज़, और ये ब्रश आपके पास अगर नहीं भी हो और इससे काम कैसे चल जाता है और किस क्यों आर्टिस्ट इसको प्रेफर करते हैं वो भी अभी बताता हूँ। ये वाला जो ब्रश है, ये वाले ब्रश में जो टिप है ना वो मेंटेन्ड नहीं रहती है, मतलब जैसे अगर मैं इसको जूम करूँ यहाँ पर तो आप देखोगे कि इसके टिप जो है वो तो कहीं ना कहीं दो तीन अलग अलग, आप देखोगे कि ये जो है इसके अलग हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेहतर ढंग से नज़र आए। ये देखो जो टिप है इसकी, और ये वाले ब्रशेस की टिप हमेशा मेंटेन रहती है, तो इसलिए ये ब्रश जो है आपको बहुत हेल्प करते हैं। और इनफैक्ट जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो इसी से पूरा का पूरा पेंटिंग फिनिश करने का प्रेफर करते हैं, और मैं बहुत दिन से यही ट्राई भी कर रहा था। मेरे पहले जो दो तीन वाटर कलर आर्टवर्क्स थे वो फेल ही इसलिए हो रहे थे क्योंकि मैं कोशिश भी कर रहा था कि इसी वाले ब्रश पे मेंटेन रखने का, या इस ब्रश पे ही पूरा पेंटिंग मेंटेन रखने का, चाहे माइन्यूट वर्क हो चाहे फिर लार्ज एरिया पे काम कर रहे हो आप। और ये कमांड आप जब डेवलप कर लेते हो ना, जो मुझे इस वाले आर्टवर्क में मेरी कुछ हद तक मुझे नज़र आई है, अभी नॉट एग्जैक्टली बट अप टू सम एक्सटेंट आई हैव गेन्ड व्हाट एग्जैक्टली आई नीडेड, और ये चीज़ मुझे अच्छी भी लगी है
कि जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो भी मैंने कोशिश किया है कि मैं इसी ब्रश के साथ कैप्चर करने की कोशिश करूं। दूसरे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जैसे कि यहाँ पे स्ट्रोक्स नज़र आते हैं, अलग अलग पैटर्न्स नज़र आते हैं, जो टेक्सचर हैं वो एक बार में ही बन जाते हैं इस ब्रश से। आपको माइन्यूट डिटेल्स बनाने के लिए स्मॉल साइज़ ब्रश इस टाइप के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी ज़्यादा, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जब भी आप वाटर कलर्स में ड्रॉ कर रहे हो, क्योंकि आपको बार बार ब्रश अगर स्विच करना पड़े तो वो एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी वाली चीज़ होती है। तो इसलिए ये वाले ब्रश बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कई बार ये ब्रशेस जो हैं हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं कि जब हम बहुत कहीं ट्रैवल में हो तो हमें एक ही ब्रश साथ में रखना होता है, तो ये ब्रश मस्ट हैव होता है। वहाँ पे आप रख लो ब्रश को और साथ में आप ट्रैवल कर सकते हो, और पेपर रखो साथ में, बहुत ही ईजिली आप ड्रॉ कर सकते हो। इसकी रिटेन पावर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी देर तक रिटेन रखता है, और जो आप बार बार पानी को यूज़ करके पेपर को डैमेज कर सकते हो लेयर चढ़ा करके, उसको भी ये रोकने की कोशिश करता है। तो इस सभी पॉइंट्स को देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये ब्रश जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सभी आर्टिस्ट के लिए, और मुझे लगता है कि ये वाली ड्राइंग भी आपको पसंद आई होगी। आज का जो ट्यूटोरियल है मैंने जो आपको बताया है वो भी आपको पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, और संडे वाले दिन हम लाइव आएंगे यूट्यूब पे, कोशिश रहेगी आपके साथ इंटरेक्ट होने की, शेड्यूल में उसको कर दूंगा। संडे को हम जनरली दोपहर में ही रखने की कोशिश करेंगे, 1 बजे या 2 बजे के अराउंड में, ताकि उस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे होते हैं और अच्छे से देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं सेशन को। हम बात करेंगे कुछ आर्ट टेक्निक्स के बारे में, और वो भी मैं आपको अभी शेड्यूल करके आपको बता दूंगा, शेयर कर दूंगा यूट्यूब पर ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।